ठीक है, ये पेपर को ट्रैक कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? तो मेरे पास एक प्लास्टिक का स्केल, अब आपको पता है प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो नहीं सकता, लेकिन इससे एक चीज हो सकती है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसके अंदर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे जनरेट कर सकता हूँ? मुझे इसे अपने बालों पे ऐसे घिसना होगा। अब मेरे बाल थोड़ा आज ऑयली है, आपको ये ड्राई बालों पे करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से होगा। देखो, जैसे मैं इसको अपने बालों पर इस तरह से रब करता हूँ और मैं इसको पेपर के पास लेके जाऊंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये पेपर को अट्रैक कर रहा है। तो ये जो पेपर को अट्रैक कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैंने इसको रब किया अपने बालों पर, तो इस पे एक चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, और पेपर पर था पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, एंड देयर इज अ रीजन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर गए। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो?